ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम काफी दिन से आपको चर्चा गणित में इंग्लिश और मैथ के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश कर रहे हैं, इसके अंदर हम इच आर एम का प्रयोग कर रहे थे, इसमें हम इच का कर चुके, आर का कर चुके, आज हम जिसका करेंगे प्रयोग वो है एम, यानी एम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एम का अर्थ क्या होता है। तो एम का अर्थ होता है हूं, क्या होता है हूं, यानी मैं राम हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, यानी हूं। अब इसका प्रयोग कैसे होता है, यानी एम का प्रयोग, एम का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, यानी बहुत ही साधारण है। तो आपको समझना है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में हू आता है, आता है, तो एम का प्रयोग होता है, जो आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी हिंदी वाक्य के अंत में हु आता है, जैसे मैं जाता हूं, मैं राम हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं अमीर हूं, सबके पीछे हु आ रहा है, तो हु आता है तब एम का प्रयोग होता है। और जो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि एम का प्रयोग हमेशा, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है, आई यानी मैं के साथ होता है। आई के अलावा इसका प्रयोग किसी के साथ में नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं के बारे में ही बताता है। अब जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मैंने लिखा मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, तो मैं मतलब आई, यानी मैं मीन्स आई हो गया एक। अब आई के साथ में किसका यूज होता है, एम का, तो हम लिखेंगे आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो यहां पर आई के साथ में एम का प्रयोग हो गया। और जैसे बताया हमने हिंदी के अंत के अंदर वाक्य में क्या लिखा होगा, हूं लिखा हुआ आता है, अगर हूं लिखा हुआ आ गया तो भी एम का प्रयोग, आई एम ए बॉय। फिर मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो आई के साथ में एम का प्रयोग, और अमीर को क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं, आर आई सी एच, आई एम रिच, यानी मैं अमीर हूं। अन्य उदाहरण, मैं लड़की हूं, मैं लड़की हूं, तो आई एम गर्ल, आई एम गर्ल। कहने का अर्थ यही है कि एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है, अन्य किसी के साथ नहीं होता है। या हिंदी वाक्य के अंदर अगर अंत के अंदर हूं लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर एम का प्रयोग होगा। और ये आई के मतलब ये खुद केवल अपने बारे में ही, यानी स्वयं के बारे में बताने के ही बारे में काम आता है, अन्य के बारे में नहीं। और यही आपका एम का प्रयोग का नियम है। अब इसे आप खुद अपने आप सेंटेंस बना सकते हो और उसको इंग्लिश में रूपांतरण कर सकते हो। तो हमने इच का देखा, आर का देखा, एम का देखा,
कल हम तीनों के सारों तीनों के ये प्रयोग जो दे रखे थे, हम तीनों के प्रयोग के वाक्यों को उतारेंगे और उनके अंदर ईच एम आर कैसे प्रयोग किया जाता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और गणित के अंदर हम ग्राम और किलोग्राम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो इसके अंदर आज हम ग्राम और किलोग्राम में गुणा का अध्ययन करते हैं। किलोग्राम व ग्राम की गुणा, तो एक तरफ किलोग्राम और एक तरफ ग्राम। यहां लिखा मैंने 98 किलोग्राम और 754 ग्राम, इसको गुणा कर लिए 54 से, इसको गुणा कर लिए 54 से। तो गुणा तो अपन जिस प्रकार से करते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार से कर ली है। तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक है 4, तो हम 4 से पहले ग्राम को गुणा करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, तब 4 चौक 16, तो 16 का 6 असल रह गया 1। फिर 4 को 5 से करेंगे, 4 पंजे 20, 20 के अंदर 1 जोड़ा 21, 21 का 1 असल रह गई 2। फिर 4 को 7 से करेंगे, 7 चौके 28, 28 के अंदर 2 जोड़ा तो ये हो गया 30। अब दायिका अंक है 5, जब हम दायिके अंक को किसी भी संख्याओं से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर भी आपको दायिके अंक से ही लिखना शुरू करना होता है। जब दायिके अंक से शुरू करेंगे तो हमारा एक अंक की जगह खाली छोड़ जाती है, तो छोड़ने के लिए या तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं या हम यहाँ पे जीरो का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे खाली जगह छोड़ गए तो गुणा का बोलते हैं या तो क्रॉस का चिन्ह बोलते हैं। अब जब हम इसको 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौके 20, 20 का 0 असल रह गई 2। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 और 2 27 असल रह गई 2। फिर 5 को 7 से करेंगे, 7 पंजे 35, 35 और 2 37। अब इसकी जोड़ करेंगे, 6 1 के अंदर 0 जोड़ेंगे 1, 7 7 3 10 और 3 1 4। अब ये ग्राम आ गया आपका इतना सारा। अब ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए हम 1000 का क्या लगाते हैं, भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाग। तो सबसे पहले 1000 का भाग लगाएंगे तब जाएगा 4000, यानी ये 4 बार, कितनी बार गया 4 बार गया। अब घटाएंगे तो 1 7 या 0 या 0, अब अंत में संख्या बच गई 6। अब देखिए यहाँ पर 716 या 1000 ज़्यादा है, 716 छोटा है, तो हम कहते हैं भाग टूट गया, यानी भाग नहीं होगा, नहीं टूट गया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तब ये कितना हो गया 40 हो गया। अब 40 आगे भाग है नहीं, तो ये जो शेष रह गया ये तो आपका बन गया ग्राम, और ये 40 जो है वो हो गया आपका किलोग्राम। अब हम किलोग्राम से गुणा करेंगे इसी को, तो हमने यहाँ भी लिख लिया 54। अब 54 से इसे गुणा करेंगे 98 को, तो सबसे पहले इकाई का अंक 4 से गुणा करेंगे, तो 4 को 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 3 रह गया। फिर 4 को 9 से करेंगे, 9 चौक 36, 36 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39, 392। अब दायिके अंक से गुणा करनी है तो पहले स्थान पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और 5 से गुणा करेंगे, 5 को 8 से करेंगे, 8 पंजे 40, यहाँ रह गया 4, और ये 9 पंजे 45, 45 के अंदर 4 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 49। इसकी जोड़ करेंगे 2, 9, 9 के अंदर 3 जोड़ेंगे, 9 और 3 12 और 4 एक 5। अब जो हमारे पास ये 40 किलोग्राम जो इधर आया हुआ है वो भी हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो इसके अंदर 40 जोड़ देंगे,
तो 2, 9 और 4, 13, असल एक रह गई, 2 और 1, 3 और 5 का 5, तो ये तो आपका हो गया किलोग्राम और ये हो गया ग्राम, तो इसका उत्तर हो गया 5,332 किलोग्राम और 716 ग्राम। तो इस प्रकार से आप ग्राम और किलोग्राम की गुणा कर सकते हैं। एक मैं आपको स्वयं करने के लिए दे रहा हूँ सवाल, जो आप स्वयं अपने घर पर बैठकर इसका अभ्यास करेंगे। किलोग्राम और ग्राम 996 और इधर 58 और इसे आपको गुणा करनी है 86 से और इसको आपको अभ्यास करना है, इसको भी आपको उतारना है, इसी सवाल को वापस आपको बिना देखे हल करना है। आगे हम अन्य गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।